धर्म नगरी के परशुराम कॉलेज में नकल की पर्ची नहीं मिली तो मोखलाए डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ने छात्र को बेरहमी से पीटा। पीड़ित छात्र का आरोप, सारे कपड़े उतरवाए और पेपर भी नहीं करने दिया। भविष्य बर्बाद होने पर छात्र सीसीटीवी फुटेज ले पहुंचा पुलिस थाने। आइए आपको कॉलेज के शिक्षक की हैवानियत से रूबरू कराते हैं। खुदा का शुक्र है कि सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और पीड़ित को आंशिक राहत मिली, अन्यथा उसका भविष्य तो बर्बाद करने की तो गुरुजी ने ठान ही ली थी। देखिए किस तरह से कुरुक्षेत्र के परशुराम कॉलेज में गुरुजी यानी कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट संदीप ने नकल की पर्ची मिलने के शक पर छात्र सूरज के पहले जर्सी उतरवाई, फिर कमीज, फिर पैंट, जूते उतरवा दिए और यहां तक कि अंडरवेयर तक उतरवाने की बात कही। लेकिन जब नकल की पर्ची नहीं मिली तो शिक्षक संदीप किस तरह से सूरज को जोरदार लात घूंसे मार रहे हैं। क्या मामला बताइए सर? मेरा नाम सूरज है, मैं आज मेरा हिस्ट्री का पेपर था, एक लेक्चरर हैं वो ड्यूटी पे आए हुए हैं, वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे चेकिंग के लिए उठाया और मेरे कपड़े वगैरह झाड़ने लगे। उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैं, अगर आपको तसल्ली हो तो मैं अपने कपड़े भी निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। मुझे लेके गए, मेरे सारे कपड़े उतरवाए इन्होंने, ठीक। पर्ची ना मिलने के बावजूद उन्होंने मुझे उठ के मारा और मुझे धमकी भी दी, ठीक है। हाँ, मारा क्यों? वो मुझे कह रहे थे कि तूने मुझे धमकी दी है, और जबकि मैंने ऐसा कोई वर्ड उनको बोला नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ उस टाइम, आज मेरा फाइनल ईयर का हिस्ट्री का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम पूरा हो गया था आपका? नहीं सर, एग्ज़ाम भी इन्होंने बीच में रुकवा दिया। कितनी देर तक रुके रहे? सर लगभग दो घंटे मैं एग्ज़ाम में, मेरे को एग्ज़ाम लिखने ही नहीं दिया इन्होंने। ये कहते कि मैं तुझे आज एग्ज़ाम लिखने भी नहीं दूंगा और तेरा केस भी बनाऊंगा, और कहते आज मैं तेरा पेपर होने नहीं दूंगा और केस भी बनाऊंगा तेरा। डेढ़ घंटा छोड़ा नहीं आपने? हाँ, पेपर दिया नहीं बाद में आपने? नहीं, पेपर भी इन्होंने ले लिया, मेरा रोल नंबर तक इनके पास है। सर ऐसा है कि बच्चा पेपर दे रहा था, बच्चे को पेपर देते हुए करे कि तेरे शक हुई करे कि तेरे नकल लिए हो, पर्ची लिए हो। इस बच्चे के पास में कोई पर्ची नहीं थी, रूम में ले गए, रूम में ले जा करके पूरे कपड़े जो है निकलवा दिए बच्चे का, कपड़े निकलवा करके खाली कच्छे कच्छे पर कर दिए। कच्छे पर करने के बाद में कह रहे हैं कि गाली दे रहा है, हमारे को उल्टा बोल रहा है, ऐसे गला पकड़ करके दोनों हाथ से बच्चे को पटक दिए, पटक करके और लात से मारे उसके यहाँ पोते में। तो आपका बेटा है? मेरा बेटा है सर, आज तक मैंने अच्छे संस्कार दे करके पाला हूँ सर, आज तक कोई समस्या कोई शिकायत नहीं आई हमारे बेटों की। और मैंने गया, एक्सीडेंट हुआ सर, मैंने गए, हम बोले कि सर इस तरह का बर्ताव करते, आप तो टीचर हो, आपको तो अच्छी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, तो करेंगे तो कौन आया मेरा हाथ धर करके इस तरह करेंगे, तुम्हारे से बात नहीं करनी है, चलो नीचे। अच्छा, आ कह रहे हैं कि लड़का तुम्हारा धमकी दे रहा, लड़का मेरे साथ है, इनको धमकी क्या दे रहा है, ये बात है सर सारी। क्या नाम है बेटे का आपके? सूरज नाम है सर। किस क्लास में पढ़ते हो? बीएम है सर जी। क्या मामला है? ये बच्चों ने अभी सूचना मिली थी, सूचना पर मौके पर गए हैं, उसके बाद एक बच्चे के और एक प्रोफेसर के बीच में कोई कहा सुनी है, उसके बाद सीसी कैमरे की फुटेज वगैरह हमने चेक करे हैं, जैसे भी आगे कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।